स्वागत है आपका चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर मोहन कुमार सर जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज में रही हैं अमृत, अवतार और अनपढ़ आई मिलन की बेला। इनके डायरेक्शन बनी सबसे पहली 1961 में आई थी आज का पंछी। इस मूवी में लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, नाजिर हुसैन, मुमताज बेगम देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली में 1962 में आई थी अनपढ़। इसको डायरेक्ट किया था मोहन कुमार जी ने। इसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा, बलराज सानी, शशिकला लीड कास्ट में थी। इस मूवी का बजट था 40 लाख रुपये। भारत में मूवी ने कमाई की 80 लाख की, दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख की कमाई की और हिट साबित हुई। अगली में 1964 में आई थी आई मिलन की बेला। इसको मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, सायरा बानो, नाजिर हुसैन, मुमताज बेगम लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए। भारत में कमाई की 2 करोड़ 25 लाख की, दुनिया में 4 करोड़ 50 लाख की कमाई के बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1964 में आपकी परछाइयां। इसको मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सुप्रिया चौधरी, शशिकला, ओम प्रकाश देखने को मिले। इस मूवी का बजट 35 लाख था। भारत में 40 लाख की, दुनिया में 80 लाख की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1967 में अमन। इसको मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, बलराज सानी और चेतन आनंद लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट था 70 लाख रुपए। भारत में कमाई की 1 करोड़ की, दुनिया में 2 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1969 में अनजाना। इस मूवी को मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजेंद्र कुमार, बबीता कपूर, निरूपा राय और प्राण लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 80 लाख रुपए। भारत में कमाई की 88 लाख की, दुनिया में 1 करोड़ 76 लाख की कमाई की और एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1971 में आप आए बाहर आई। इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट मोहन कुमार जी ने किया था। इसमें राजेंद्र कुमार, साधना, प्रेम चोपड़ा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1972 में मोम की गुड़िया। इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट मोहन कुमार जी ने किया था। इसमें लीड कास्ट में तनुजा, प्रेमनाथ, ओम प्रकाश और नाजिर हुसैन देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1974 में अमीर गरीब। इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट मोहन कुमार जी ने किया था। इसमें देवानंद, हेमा मालिनी, तनुजा, प्रेमनाथ, रंजीत लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ था। भारत में 2 करोड़ 10 लाख की, दुनिया में 4 करोड़ 20 लाख की कमाई की और कमाई के अनुसार से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1976 में आप पीती। इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट मोहन कुमार जी ने किया था। इसमें शशि कपूर, हेमा मालिनी, अशोक कुमार, प्रेमनाथ, मदनपुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 75 लाख था। भारत में 1 करोड़ 30 लाख की, दुनिया में 2 करोड़ 60 लाख की कमाई की और सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1980 में आप तो ऐसे ना थे। इसको मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें दीपक, पराशर, रंजीता को लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1983 में अवतार। इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट मोहन कुमार जी ने किया था। इसमें राजेश खन्ना, शबाना आजमी, सचिन, प्रीति सप्रू, गुलशन ग्रोवर लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 60 लाख था। भारत ने 3 करोड़ 75 लाख की, दुनिया में 7 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1984 में ऑलराउंडर। इसको मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में कुमार गौरव, रति अग्निहोत्री, विनोद बेहरा, शोभा खोटे देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1986 में अमृत। इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट मोहन कुमार जी ने किया था। इसमें राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल, अरुणा ईरानी, शफी नामदार, जरीना भाव थे। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 12 लाख रुपए। भारत में 3 करोड़ 10 लाख की, दुनिया में 5 करोड़ 30 लाख की कमाई की और कमाई के अनुसार से सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1990 में अंबा। इसको मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, शबाना आजमी, सुजीत कुमार देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। ये लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो ये मोहन कुमार जी का डायरेक्टिंग बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी डायरेक्शन बनने वाली मूवी में कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या फिर डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।